please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। स्वागत है आपका रियल्टी टॉक के एक और एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं दीपक चावला जी, जो एक सक्सेसफुल रियल्टर थे और अब वो एक सक्सेसफुल होटलर बन चुके हैं। स्वागत है दीपक चावला जी आपका मेरे शो में। सबसे पहले चावला जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पहले एक सक्सेसफुल रियल्टर थे, बिल्डर थे, अब होटलर बन गए, तो इसकी वजह क्या रही थी? ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ दिया है, रियल्टर नहीं हूँ। इट इज़ जस्ट टाइम फ्रेम। 2011 में आई रियलाइज्ड कि रियल्टी मार्केट वुड बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल ग्रोथ आ चुकी थी इसके अंदर, तो बलून बर्स्ट होना ही था। एंड आई फिगर्ड आउट, बिकॉज आई एम इन टच विद ऑल द इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल, आई हैड ऑफिसेज ऑल ओवर वर्ल्ड, आई हैड 7 इंटरनेशनल ऑफिसेज ऑल्सो, जहाँ पे हम इंडियन प्रॉपर्टी बाहर बेचते थे और बाहर की प्रॉपर्टी यहाँ पे भी बेचते थे। Then we started our own construction and we built lot of projects here, जिसमें villas and floors बनाते थे। But 2011 में I realized कि ये balloon burst होगा बहुत जल्दी, तो we need to diversify ourselves. 2011 में we started the research कि हम hospitality में enter करें, and I wanted to come up with the hotels and everything. But still हमने 2013 तक, बल्कि 2014 तक projects बनाए अपने, and then I got very busy in the ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज एनी डाइवर्सिफिकेशन नीड्स लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। तो हमने वहाँ पर रियलिटी को, बिजनेस को थोड़ा सा ब्रेक किया, एंड देन वी प्रिक्योर्ड लॉट ऑफ लैंड इन उत्तराखंड ऑल्सो फॉर दी होटल्स। हमने वहाँ पर कुछ 4-5 कॉटेज ऑपरेशनल भी कर दिए हैं, एक डिफरेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी की, उसमें देन ओपन सम रेस्टोरेंट ऑल्सो। एंड देन ये होटल जो हमने अभी खोला, इट्स अ फर्स्ट प्रोजेक्ट विच इज़ फिजिकली लाइव नाउ, दैट वॉज because of the sheer love of the dogs. तो मुझे dogs के लिए भी कुछ करना था, and because already मैं diversify कर रहा था hotels में, तो मैंने कहा चलो इनके लिए भी एक hotel ही खोला जाए। So this is the only reason कि I gave a break to it, and we'll be starting the constructions again, because I think as soon as the loans, interest rates for the loans and everything will go down, जो government बहुत कुछ कर रही है उसके लिए, actual user will always like to live in their own home instead of going for rentals. So and अभी मेरे ख्याल से चेंज आना शुरू हो भी गया है, एंड पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू बाय देयर होम्स, एंड लॉट ऑफ फॉरेन फंडिंग इज कमिंग इन, लॉट ऑफ फंडिंग इन रिटेल सेगमेंट इज कमिंग इन। DLF has got like 2 billion funding from outside अभी रिसेंटली, एंड आई थिंक इंडिया से अच्छी जगह कोई इन्वेस्टमेंट के लिए रियल इस्टेट में भी नहीं है, बिकॉज जितनी भी रिटर्न्स यहाँ पे आती हैं बाहर की कंट्रीज में वैसे भी नहीं आ पाती हैं। एंड यस, ये नहीं होगा, पहले तो ऐसा हो रहा था कि 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की हो जाती थी एक साल के अंदर, विच विल नॉट हैपन, विच वॉज नॉट गुड ऑल्सो फॉर दी कंट्री। और ऐसा अगर होता रहता कॉन्टीन्यूसली, तो जो मिडिल क्लास सेगमेंट है वो कभी अपने घरों में रह ही नहीं पाती। सो इट इज़ गुड दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन दी एक्शन ऑन इट, एंड इट हैज़ बीन कंट्रोल्ड, एंड स्पेकुलेशन बंद कर दी गई है। बिल्डर्स के ऊपर काफ़ी सारे लॉज लगाए हैं कि प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले ये आपको सारी क्लियरेंस लेनी है। पहले तो बिल्डर एक एडवांस देता था, एग्रीमेंट करता था और साथ कर बेचना शुरू कर देता था प्रॉपर्टीज, विच इज़ अल्टीमेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस वजह से फेल भी हुए हैं, एंड बहुत सारे बिल्डर्स ने वो प्रोजेक्ट्स आए ही नहीं। और काफ़ी लोग जिन्होंने ये सोच के लिए थे कि ठीक है विल नॉट पे रेंटल्स, वो EMIs भी भर रहे हैं और रेंट्स भी भर रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्यों चुनी आपने? हॉस्पिटैलिटी इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी, एंड बिकॉज आई हैव बीन इन कंस्ट्रक्शन सिंस माई बिगनिंग ऑफ द करियर, और मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा कुछ डिफरेंट करने के लिए। एंड जैसे अब ये होटल भी हमने जो खोला है पेट्स के लिए, दिस इज़ अगेन फर्स्ट इन इंडिया, एंड जो होटल के कॉन्सेप्ट हम बाहर भी लेके आ रहे हैं, जो उत्तराखंड में मैं आपको बात कर रहा हूँ, दैट ऑल्सो बी टोटली डिफरेंट। जो प्रॉब्लम्स हमें होटल्स में आती हैं, फेस करते हैं हम हॉलीडेज पे जाने के बाद, कि ये रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो मैं वो वैसी चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ आप हॉलीडे, एक्चुअल हॉलीडे आप इंजॉय कर सके, जहाँ पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस ना हो। उत्तराखंड में स्पेशली आपको डिनर 10:30 के बाद सर्व नहीं होता, लास्ट ऑर्डर 10:30 व्हेन यू आर ऑन हॉलीडे, अगर तब आप वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आप 10 बजे सोना है आपको, तो इट्स नॉट अ हॉलीडे। एंड वो मैं चीज़ को अमेंड करना चाहता हूँ, और बहुत सारी और चीज़ें हैं
जो हम अमेंड करेंगे. एंड होटल इज़ वन थिंग विच इज़ अगेन आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट. एंड मैं चाहता था कि एज अ नॉर्मल बिल्डर आई शुड नॉट गो आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस थ्री एंड हाफ ईयर्स एंड देन आई एम वर्किंग ऑन माई उत्तराखंड प्रोजेक्ट सिंस 5 years नाउ. बट इट वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ द क्लाउड बर्स्ट देयर. तो हमने वहाँ पर उसको रोक दिया था. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग दैट प्रोजेक्ट वेरी सून. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री है इस वक्त काफ़ी अपने बुरे दौर से गुजर रही है. बिल्डर परेशान है, होम बायर्स परेशान है, सरकार भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, लेकिन उससे भी ना बिल्डर खुश है ना होम बायर्स खुश है. जो तीनों जगह हैं, तीनों जगह अशांति है, कोई भी खुश नहीं. तो उस पर आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? ऐसा नहीं है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री कोई बुरे समय से गुजर रही है. इट इज़ ओनली कि बिल्डर्स को इतनी आदत हो चुकी है कि जो मार्जिन्स लेवल ऑफ मार्जिन्स होते थे पहले, कि वो 100 रुपये की 200 रुपये हो जाती थी, 250 हो जाती थी, उस हिसाब से बिल्डर्स ने ओवर ट्रेडिंग बहुत करी हुई थी. बैंक से लोन्स ले रखे थे बहुत ज़्यादा. एंड कि ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स वाज सो हाई कि लोन्स वाज नॉट मैटरिंग एट ऑल. उनको इंटरेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. तो आज थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगने के बाद ठीक है, वो जो जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग कर रखी है उनके लिए प्रॉब्लम ज़रूर है. बट एट द सेम टाइम जो छोटे बिल्डर्स हैं जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी है, वो आज भी एक्चुअल यूजर्स के लिए बना रहे हैं एंड दे आर सेलिंग. बस यस, ये ठीक है कि नाउ द रिटर्न्स आर नाउ नॉर्मल. जो 20-25% की रिटर्न आनी चाहिए वही आ रही है एंड दैट इज़ फेयर रिटर्न्स फॉर हिम. सिर्फ बुरा दौर इसलिए सब बिल्डर्स और सब कह रहे हैं कि वो रिटर्न्स जो 150% थी वो आज 25% आ गई है, तो इसलिए बोला करें. बट अल्टीमेटली इफ यू कंपेयर ऑल ओवर द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, देन 25-30% रिटर्न्स आर स्टिल वेरी गुड, स्टिल द हाईएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड. अभी हमारी जो मार्केट चल रही है, रियल एस्टेट की मार्केट चल रही है, लोगों का और बिल्डर्स का ऐसा मानना है कि मार्केट खराब चल रही है. तो रियल्टर हैं आप, एक थे, अब भी हैं, आप कह रहे हैं आपने छोड़ा नहीं है. तो आपको क्या लगता है कि मार्केट कैसे सुधर सकती है, इसमें कैसे और इम्प्रूवमेंट आ सकती है? मार्केट यस, मैक्रो लेवल पे थोड़ी डिस्टर्ब ज़रूर है बिकॉज हमारे पास हमारी एक और प्रॉब्लम है कंट्री की, पॉलिसी चेंजेस बहुत होते हैं जिसकी वजह से फॉरेन डेवलप जो फॉरेन FDIs हैं वो हर्ट हो जाती हैं और वो अपनी प्लान्स को चेंज कर देती हैं कि नहीं यार, यहाँ हम इंडिया में पैसे लगाते हैं, आज एक सोच के लगाया और दूसरी बार पॉलिसी अगले साल कुछ और हो जाती है, अगले साल कुछ और आ जाती है. दैट वॉज द मेजर रीज़न की जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में डिस्टर्बेंस बहुत आई रियल एस्टेट में. बिकॉज फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में रियलिटी में पैसे लगा रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन आया है. बट नाउ इफ़ यू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, आई थिंक नाउ दी कॉन्फिडेंस इज कमिंग बैक. एंड एज सून एज सारे और फॉरेन कम्फर्ट हम दे देंगे और उनको एक वो मिल जाएगा कि हाँ, अब हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है एंड पॉलिसीज वुड वर्क अकॉर्डिंगली, तो वील बी अगेन स्टार्ट गेटिंग दी फंडिंग फ्राम अब्रॉड एज वेल. और यहाँ के भी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, वो भी एक थोड़ा फर्म हो जाएंगे. आज बेसिकली उन सब इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया है, सो बिकॉज ऑफ दी अनसर्टनिटी इन द रियल इस्टेट. बट वंस ये सारे FDIs इन सारे फंडिंग आ जाते हैं एंड देन पॉलिसीज ऐसे आ जाती हैं जहाँ पर हम एक्चुअल यूजर्स के लिए डिलीवर कर सकते हैं प्रोजेक्ट, वेदर इट इज़ कमर्शियल या रेजिडेंशियल. तो आई थिंक एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट इज वर्किंग आउट अ लॉट ऑन इट, एंड जैसे ही कम होएगा तो आई थिंक मार्केट स्लोली विल रिवाइव. एंड यस, जो मेरे को मेरी अपनी फीलिंग ये है कि वंस दी मार्केट कम्स टू अ स्टेबल पोजिशन, देन जो रिटर्न्स आएंगी दैट विल बी रेगुलर. ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी रिटर्न अब आनी शुरू हो गई 15% साल की, जो मैं एप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, जो 10-12-15% ही होगी, अब दैट विल बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं हुआ कि अभी 15% बढ़ गई, अगले साल फिर 20% कम हो गई. क्योंकि अभी जब 100% बढ़ जाती थी तो 100 रुपये की चीज़ 200 की हो जाती थी, जब वो 160 रह जाती थी तो लोग कहते थे मार्केट डाउन आ गई. पर मार्केट डाउन कहाँ हुई? 100 रुपये की चीज़ एक साल पहले थी, 200 रुपये की अगले साल हो गई, और तीसरे साल 160 है, तो मार्केट तो स्टिल अप है. सो वो चीज़ अगर वो कंसिस्टेंट हो जाएगी ग्रोथ, जो चाहे वो 10% हो चाहे 15% हो, जब वो कंसिस्टेंट हो जाएगी तो देन इट विल बी आई थिंक अ वेरी गुड मार्केट फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड. एंड आई थिंक It'll another question of 1 or 2 years, and I think it'll be stable. थैंक यू दीपक जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, कीमती वक्त में से थोड़ा समय निकाल के हमसे बात करी, आपका शुक्रिया. रियल्टी टॉक के इस एपिसोड में हमने बात करी दीपक चावला जी से, जो रियल्टर भी हैं और अब एक होटलर भी बन गए हैं. उन्होंने इंडिया में एक पहला ऐसा होटल खोला है जो पेट्स के लिए 5-star होटल है.
और उन्होंने हमें बताया कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ चुकी है और हो सकता है कि आगे जो हमारी रियल स्टेट की मार्केट है जिसमें अभी उथल पुथल चल रही है, ये ठीक हो सकती है। फिर मुलाकात होगी रियल्टी टॉक के एक और एपिसोड में किसी और के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। For more news and updates, visit our website realtymedia.in. And for more videos, subscribe our YouTube channel, Realty Media.